भाई साहब प्रभास की कल की 2898 ये मूवी इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट हिस्ट्री मेकिंग मूवी होने वाली है। और भाई साहब यहाँ से एक नया इतिहास जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि डिस्टोपियन एरा में ये पहला कदम है इंडियन सिनेमा का, जो फाइनेस्ट है और मेकर्स की तरफ से बहुत कॉन्फिडेंट नजर वो आ रहे हैं। मेकर्स मतलब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, जो रीजनेबल प्राइस है वो मांग रहे हैं। यस, राइट्स की मांग उठाई जा रही है मेकर्स की तरफ से, और बहुत ही जबरदस्त हिंदी और तेलुगु राइट्स के लिए। दूसरी बात भाई साहब, टीजर की डेट अनाउंस हो चुकी है, टीजर आपको जल्द ही मिलने वाला है। फैंस जो अभी तक वेट कर रहे थे कि भाई कल की 2898 से जुड़ी भाई टीजर या पोस्टर कुछ भी दे दो हमें, भाई वेट खत्म हुआ और हमें टीजर बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। दूसरी बात भाई, और भी चीजें हैं मूवी से जुड़ी, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें भी, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। हिंदी राइट्स के लिए मेकर्स 135 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं भाई, तो आप समझ सकते हो कि अपने प्रोडक्ट के लिए वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और इससे पता लगता है कि भाई साहब क्वालिटी क्या होने वाली है, मतलब मूवी भाई एवं ही नहीं होने वाली। लाइक गणपत जो मूवी आई थी डिस्टोपियन एरा के बेस पर, वो तो आप सब जानते ही हो क्या, मतलब टट्टी से भी रद्दी वो मूवी। लेकिन कल की 2898 के ग्लिम्स ने हमें पहले ही प्रॉमिस कर दिया है कि भाई मूवी फाड़ होने वाली है। और ऐसे स्टेप अगर मेकर्स रखेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली ट्रस्ट तो बनता है, प्रॉमिस बनता है कि यार जब ये आएगी और फाड़ के जाने वाली है। तेलुगु राइट्स के लिए 95 करोड़ की डिमांड ये लोग कर रहे हैं, और अभी तो बहुत से राइट्स बेचने हैं, थिएटिकल राइट्स, नॉन थिएटिकल राइट्स, म्यूजिकल राइट। तो भाई जब ये राइट्स बेचकर ही 800-700 करोड़ के आसपास इजिली कमाने वाले हैं, तो आप समझ सकते हो कि जब ये बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी रियल बेस पे तो कितनी कमाई कर जाएगी भाई। 2000 करोड़ कहीं नहीं गए, क्योंकि जिस हिसाब की ये मांग कर रहे हैं दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोजेक्ट। इसी के साथ भाई साहब डेट अनाउंस हो चुकी है टीजर की, 8 मार्च यानी शिवरात्रि में हमें कल की 2898 का टीजर देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए बहुत लंबा वेट था। क्योंकि ग्लिम्स के बाद भाई खलबली मची पड़ी है कि यार मूवी में क्या होने वाला है, क्योंकि टीजर से बहुत कुछ पता लग जाएगा कि आखिर एक्चुअली मूवी में होने क्या वाला है, क्या सही में ये लोग चूतिया काट देंगे गणपत की तरह, या फिर और भी दमदार होने वाली। क्योंकि प्रॉमिस ये करा जा रहा है सलार से भी बहुत ही बहुत बड़ी मूवी होने वाली है, जवान से भी बहुत बड़ी मूवी होने वाली, क्योंकि एक्शन तो इसमें मिलने ही मिलने वाला है भाई साहब। डिस्टोपियन एरा की मूवी जो एडवांस लेवल पर काम करेगी, साईफाई मूवी जो फिक्शनल मूवी होती है जिनका अलग हिसाब किताब है, एक बार के लिए आयरन मैन वाली सिचुएशन भी देखने को मिली, तो थोड़ा दैविक शक्तियां भी इसमें देखने को मिलेंगी। दैट्स वाई की बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी के लिए। इंडियन सिनेमा की पहली मूवी होने वाली है जो हिस्ट्री जरूर लिखेगी, या तो ब्लॉकबस्टर कमाई से या फिर एवं कमाई से। तो पॉसिबिलिटी है कि 8 मार्च को टीजर आ जाएगा, अगर नहीं भी आता है 99% पॉसिबिलिटी है टीजर आएगा, नहीं भी आएगा तो पोस्टर या कोई भी न्यू लुक जरूर रिवील आउट करने वाले हैं। दूसरा, इस मूवी को 3 पार्ट में लाने की मांग चलाई जा रही है, जिसके पहले 2 पार्ट के नाम अनाउंस हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है कल की 2898 द एक्सट्रीम फ्यूचर, एंड द सेकेंड पार्ट है कल की 3102 BC द एक्सट्रीम पास्ट। तो सेकेंड पार्ट अभी ऑफिशियली है या नहीं भाई, इतने ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सेकेंड पार्ट का यही नाम है। थर्ड पार्ट के लिए अभी नाम कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। बाकी दीपिका पादुकोण की ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भाई साहब इस मूवी को चार्ज कर रही हैं, मतलब इस मूवी को करने के लिए 20 करोड़ रुपए का चार्ज करा है उन्होंने, और प्रभास कितना करा है। खैर, अकेला मैं ही प्रभास का फैन नहीं हूँ, अगर आप भी फैन हैं तो ये ड्यूटी आप पर भी छोड़ दें कि प्रभास ने कितना चार्ज किया होगा इसके लिए, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी भाई 8 मार्च के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, क्योंकि शिवरात्रि के दिन सिर्फ तांडव होने वाला है, ना कि बाहर लेवल पर भाई फिल्मी जगत पर भी तांडव होने वाले हैं। बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी कमाई कितनी कर लेगी, भाई मैं मान के चल रहा हूँ 2000 करोड़ इजीली ठोक के जाएगा ना। बाकी मिलते अगली वीडियो पर, चाहिए।